हाताने चित्र साकारणारे अनेक चित्रकार आपण पाहिले असतील, पण तुम्ही कधी पायाने चित्र साकारणारे चित्रकार पाहिले आहेत का? नाही ना? मग आज मी तुमची ओळख अशाच दोन चित्रकारांशी करून देणार आहे, ज्यांना हाताने अपंग केलं पण पायाने जगायला शिकवलं. बचपन से ही मेरे दोनों हाथ नहीं थे, तो फैमिली में कभी ऐसा कुछ उनको भी फील हुआ नहीं, और कभी भी उन्होंने मुझे फील होने नहीं दिया कि मैं डिसेबल हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी अपने आप को फील किया नहीं और ना ही मैं अभी भी करता हूँ. बट लेकिन लोगों को लगता है कि हम डिसेबल हैं तो वो हमको जज करते हैं. अदरवाइज़ देखा जाए तो कोई भी डिसेबल बच्चा हो या कोई भी आदमी हो, उससे आप पूछोगे तो वो बोलेगा मैं डिसेबल नहीं हूँ, बट सामने वाले बोलते हैं अरे आपके ये प्रॉब्लम है, आपकी ये प्रॉब्लम है. तो ये पब्लिक कहती है. इवन मुझे जब छोटेपन में भी बच्चे जब मुझे चिढ़ाते थे कि तेरे दोनों हाथ नहीं है, तो मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैं उनको कह देता यार मैं घर पे रख के आता हूँ, मुझे लेके चलना मुझे पसंद नहीं. तो मेरा माइंडसेट ही ऐसा रह गया है. तो उस हिसाब से मतलब मुझे कभी कुछ फील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं. मैं जब 3 महीने का था तो मुझे मेरे मम्मी पापा गांव से मुंबई में लेके आए. तो 14 साल तक तो मैं मतलब स्कूल नहीं जा पाया और कुछ भी नहीं कर पाया, घर पे ही रहता था. और मुझे हमें मम्मी पापा को इतनी जानकारी नहीं थी कि स्कूलों की एडमिशन के लिए, तो उन्होंने फिर एक डिसेबिलिटी स्कूल में मुझे दाखिला दिलाया. तो वहाँ से मैं पढ़ा लिखा और उस स्कूल से ही मैंने पेंटिंग सीखा. पहले तो मुझे करीबन 12 स्कूल में एडमिशन के लिए ट्राई किया, तब मुझे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला मुझे. और उन्होंने बहुत सारे रिक्वायरमेंट रखे, कैसा लिखेगा, कैसा पढ़ेगा, और आपके बेटे को जगह बड़ी चाहिए. मेरी मम्मी ने फिर स्कूल मुझे पढ़ा नहीं पाए. अभी उसी की स्कूल के लोग मुझे अब बुलाते हैं आत्मोटिवेशन के लिए. ड्राइविंग का बहुत शौक था, मैं गाड़ियों को बहुत देखता तो कैसे चलाते हैं इसे, तो मैंने फिर ड्राइविंग सीखी और कंप्यूटर हार्डवेयर का भी काम किया. मैंने कंप्यूटर रिपेयर भी करता हूँ.